Mob lynching case. Now, after coming under fire for alleged negligence, Jharkhand police have stepped up their probe and arrested 11 accused. Two police personnel have also been suspended for negligence. The suspended cops include one sub-inspector and an assistant sub-inspector as well. Right. You will recall that a 22-year-old Tabriz was beaten up and handed over to the police by a mob on suspicion of theft. He was allegedly also forced to chant Jai Shri Ram and Jai Hanuman by the angry mob. Tabriz was later taken to a hospital in Jamshedpur, where he succumbed to his injuries. दोस्त के साथ जा रहे हैं बोले 5 बजे निकले थे 5 बजे निकले और फिर रात 10 बजे कॉल किए कि हम लौट रहे हैं फिर और दोबारा कॉल नहीं आया फिर सुबह 5 बजे जब कॉल आया तो बोल रहे कि गांव वाला लोग पकड़ के बहुत बेरहमी से हमको मारा चोर का इल्जाम लगाया 10:30 बजे से बहुत बेरहमी से मारा और उल्टा सीधा बोला कराए जय श्री राम जय हनुमान ये सब बोला कराए Let all the facts come, but if the prima facie things or the initial reports are pointing that he was beaten by a mob, action has to be taken. And no one can be forced to take the name of God. That is to be taken with love and affection. You can't force it and create it with fear. That's incorrect. Whatever law has to take its course, it will take its course. There is no question about it. Because after all, the life of an Indian citizen has gone. Well, Mirror Now senior editor Tanvi Shukla spoke to the relative of Tabriz, who claimed that the youth was unconscious when the family went to see him in the police station. In fact, they further alleged that the hospital administered very little care to Tabriz before he was thrown into the lockup. Listen in. Maksud ji, shukriya humse baat karne ke liye. मैं जानती हूँ ये बहुत दुख भरा समय और बहुत मुश्किल समय है आपकी फैमिली के लिए पर फिर भी आप समय निकाल के हमसे बात कर रहे हैं क्या आप हमें बता सकते हैं कि क्या हुआ उस रात तबरेज के साथ तो हम लोग पुलिस हिरासत में पहुँचे सरायकेला थाना जो सरायकेला थाना में उसको लॉकअप में डाल दिया गया था बिपिन बिहारी सिंह हमारे बड़े भाई को धमकाए चमकाए और बोले यहाँ से जल्दी से भाग जाओ नहीं तो तुम्हारा मार के पाँव हाथ तोड़ देंगे और जो लेके आए उसको भी मार के पाँव हाथ तोड़ देंगे और वहाँ से निकाल दिए वहाँ से निकालने के बाद जो उनके वाइफ और उनकी वाइफ और उनकी सास जो गई हुई थी वो लोग अंदर गए वो लोग उनको आवाज दिए आवाज देने पर भी आवाज आ रही आवाज देने पर भी वो सुना नहीं लॉकअप के अंदर ही था पूरा बदहोश था बेहोश पड़ा हुआ था लेकिन पुलिस प्रशासन उस पर थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दिया उसके साथ बहुत ज्यादती किया गया बहुत नाइंसाफी किया गया उसको गांव वाले लोग बहुत मारे पीटे पोल पे बांध के मारे और उसके बाद सुबह उसको खोल के भी बहुत मारे डंडा डंडा मारे और जो वीडियो वायरल हुआ है वो वीडियो वायरल के हिसाब से ही हम लोग को पता चला कि इसके साथ क्या बर्ताव किया गया है आप मुझे ये बताएं कि उसको उसके बाद जी जब जब उसको थाने ले गए और जिस हालत में आप कह रहे हैं आपने उसको देखा जेल में वो थे बेहोश पड़े हुए थे तो कितना समय लगा पुलिस को उसको अस्पताल लेके जाने में जी उसको पहले वहाँ से जब वहाँ से उठाया गया गांव से जब गांव वाले लोग मार के उसको पूरा बेहोश कर दिए थे तो वहाँ गांव में जब उसको पकड़ा गया 10 से 11 बजे से उसको सुबह 5:30 तक सब पीटते रहे और इतनी ज़्यादा उसको जख्म चाकू छुरी से उसके हाथ में पाँव में घोपा गया पूरा चीर फाड़ किया गया पूरा बदन खरोच कर दिया गया और पूरा हाथ पांव भी खरोच आ चुका था और उसके पूरा बदहोशी के आलम में पड़ा हुआ था जब उसको पुलिस लेके आई तो डायरेक्ट सरायकेला सदर अस्पताल में लाई और सदर अस्पताल में उसका कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं किया गया सर में थोड़ा सा पट्टी बांध दिया गया और पांव में थोड़ा सा पट्टी बांध दिया गया और उसको हिरासत में डाल दिया गया